पूरे देश में कोरोना वायरस की महामारी को लेकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिससे गरीब मजदूर तथा रोज कमा के खाने वाले हुए परेशान। लेकर हमेशा से गरीब व गरजू तथा बेसहारा लोगों की सेवा के लिए तत्पर उपस्थित रहने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष सम्माननीय श्री भगवान जयराम टावरे द्वारा भिवंडी स्थित भंडारी कंपाउंड में रोजाना लगभग 1,500 गरीब व गरजू लोगों को भोजन वितरण करते आ रहे हैं। होनारा होताला जाणारा जाताला मागे तू फिरू नको, उगाच सांडून खैराची संगत खोटा, तिला धरत तिला कशीर सुटावी आशा, अवसेची रात नशिबाला। देवा काळजी रे माझ्या, देवा काळजी रे, देवा काळजी रे माझ्या, देवा काळजी रे, देवा काळजी रे माझ्या, देवा काळजी रे। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता से वार्तालाप करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष सम्माननीय श्री भगवान जयराम टावरे ने बताया कि भिवंडी शहर में लगभग 5 से 6 लाख लूम कामगार हैं। ऐसे लूम कामगार को हर संस्था से हम लोग मदद कर रहे हैं। हमारे जितने भी नगर सेवक व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है जो भिवंडी शहर में जगह जगह कैंप लगा के भोजन वितरण कर रहे हैं, और हमारे यहाँ भी रोजाना लगभग 1,500 लोगों को भोजन वितरण किया जाता है, और हम लोग लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए भोजन वितरण करते हैं। महानगर पालिका व प्रांत तथा तहसीलदार द्वारा जो भोजन वितरण किया जाता है, आज तक महानगर पालिका व प्रांत तथा तहसीलदार के पास भिवंडी शहर में कितने कामगार है उसका कोई डेटा नहीं है, जो उसको कैसे मालूम होगा कि कितना खाना बनाया जाए और कितना बांटा जाए। वही अगर संस्था द्वारा किया जाए तो एक भी कामगार भूखा नहीं रहेगा। और आगे हम आपको बता दें कि भिवंडी महानगर पालिका द्वारा लगभग कई दिनों से जगह जगह पोस्टर लगाकर लोगों को भोजन के नाम पर गुमराह कर रहे थे, जिसकी शिकायत हमने भुजवल साहिब से की तो महानगर पालिका ने दूसरे दिन से ही लोगों को भोजन देना शुरू किया, और यही भोजन अगर संस्था द्वारा दिया जाए तो सभी कामगारों को बराबर भोजन मिलेगा। आइए देखें इसकी एक रिपोर्ट। बहुत से कोरोना वायरस से पॉजिटिव हुए है, बहुत से मौतें हो रहे। आज भिवंडी शहर में लगभग 5 से 6 लाख लूम कामगार है, और वो ऐसे लूम कामगार को हर संस्था से हम लोग मदद कर रहे हैं। हमारे जितने कारपोरेटर है, हमारे राष्ट्रवादी के जितने कार्यकर्ता है, हम लोग सब भिवंडी में जगह जगह पे कैंप लगा के लोग कामगार लोगों को खाना खिला रहे। आज मेरे इधर रोज का 1,500 लोगों का शाम का भोजन दिया जाता है, और सभी जितने गवर्नमेंट के गाइडलाइन है ये गाइडलाइन को पूरा पालते हुए लोगों को सबको मास्क लगाते हैं, लंबी दूरी रखा जाता है, और इस तरीके से हम लोग यहाँ से खाना वितरण करते हैं। आज भिवंडी शहर में इतने कामगार होने के बावजूद भी किधर भी भगदड़ मची नहीं है कामगार लोगों की, क्योंकि भिवंडी शहर हिंदू मुस्लिम लोगों का है, हर प्रांत से लोग आएले हैं, हर भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, और ऐसे लोगों को मानवता के नाते हमारे भिवंडी शहर के जितनी संस्था है
जो लोग काम कर रहे इसमें, कोई कुछ नहीं बोलते हुए सभी लोगों को खाने की व्यवस्था कर रहे। मेरे को लगता है कि आज भिवंडी महानगर पालिका ने कुछ किचन चालू किए हैं, लेकिन भिवंडी महानगर पालिका के पास हमारे भिवंडी शहर में कितने कामगार है इसका कोई डेटा नहीं है। तो इसमें भी गड़बड़ी होने की वजह हो सकती है, क्योंकि इनके पास डेटा नहीं होने की वजह से जो पहला संस्था काम कर रही थी खाना बांटने का, वो आज तक जो बांट रहे थे बिगर कोई ये करके, तो उन लोग बंद कर सकते हैं, क्योंकि कॉरपोरेशन ने चालू किया है और इसके वजह से कामगार लोगों में भगदड़ मच सकती है, क्योंकि किसी को मिलेगा किसी को नहीं। तो जो संस्था पहला काम कर रही थी, इस संस्थाओं को उन्होंने खाना बनाने के लिए परमिशन देना चाहिए था, और उनके माध्यम से अगर कामगार लोगों तक, क्योंकि उनको मालूम है कहाँ कहाँ कामगार है। अभी इन्होंने प्रभाग समिति के हिसाब से इन लोगों ने खाना बनाना चालू किया है, लेकिन वो प्रभाग समिति के इसमें भी जो नगर सेवक है उनके माध्यम से खाना बांटा जाएगा, तो वो नगर सेवक कहाँ तक पहुँचेगा पता नहीं, क्योंकि भिवंडी शहर में रात में जागने वाले बहुत से नगर सेवक है, तो वो दिन में 5 बजे 4 बजे तक सोए ले रहते हैं, तो वो खाना बांटने कब जाएंगे। तो ये हालत भिवंडी में तैयार होने वाली है, तो बहुत से कामगार जो मजदूर एरिया है वहाँ तक पहुँचने वाले ने, आज कौन से प्रभाग में कितने कामगार का खाना बनेगा इसका कोई डेटा नहीं है, इसकी मालूमात नहीं कि कौन से एरिया में कितने कामगार है, तो कितना खाना बनेगा इसका अंदाज भी महानगर पालिका को नहीं, हमारे यहाँ के प्रांत और तहसीलदार जो है इनके पास डेटा नहीं है कितने कामगार है। अगर महानगर पालिका को प्रांत और तहसीलदार जब सब कुछ सामान पहुँचाएगा तब वो बना के देने वाले, किचन तो चालू किए लेकिन कितने कामगार है इसका डेटा नहीं, और ये तालमेल नहीं होने की वजह से इसमें गड़बड़ होने वाली है, बहुत से भूखे रहेंगे, कामगार लोगों में हड़कंप मचने की चांसेस ज़्यादा रहेंगी। तो लोग जो है महानगर पालिका के लोग जो है उन्होंने जहाँ जहाँ खाना बांट रहा था वहाँ पे जाके डेटा लेंगे कि कितने का पॉकेट बांट रहे थे, उनसे अगर डेटा लेगा तो उनको रोज़ कितना खाना बनना चाहिए करके मालूम पड़ेगा। आज हम लोग 1500 पॉकेट रोज का रोज बांट रहे थे, तो हमारे को मालूम है कि इतने पॉकेट इस एरिया में लगते हैं। तो उसी तरीके से जहाँ जहाँ अभी नीलेश चौधरी था 15,000 कामगार लोगों का बंदोबस्त कर रहा था, बहुत से ऐसे जगह पे है क्या लाखों पॉकेट बट रहे थे, तो नगर पालिका कितने कामगार लोगों का ये करने वाले, क्योंकि हमारे पास बीड़ी कामगार है लगभग 10-15 हज़ार बीड़ी कामगार है, नाका कामगार है जो रोज का नाके पे काम करने वाले, ऐसे 5,000 कामगार है भिवंडी में, इसका डेटा महानगर पालिका में है, लेकिन महानगर पालिका ने इसका मान्यता नहीं देने की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। हमारे यहाँ की जो कामगार विभाग है, कामगार विभाग के जो अधिकारी है उनका फर्ज था कि हर कामगार में सर्वे करके, कारखाने में सर्वे करके कौन से फैक्ट्री में कितने कामगार है, इसका अगर सर्वे होता तो आज हमारे जो महानगर पालिका को जो ये अभी आपातकालीन का जो परिस्थिति निर्माण हुआ कोरोना के वजह से इसका डेटा मिलता तो वही हिसाब से खाना पकता था। तो मैं मेरे माध्यम से महानगर पालिका ये जो कॉरपोरेशन में जितने कामगार है, लूम कामगार हो, बीड़ी कामगार हो, नाका कामगार हो, ऐसे लोगों को विनंती करता हूँ कि आप भगदड़ नहीं मचाते हुए अपना गवर्नमेंट ने जो रूल्स अपने को दिया है, मास्क लगाओ, जो 3 फीट का डिस्टेंस है इसका पालन करते हुए सब जन अपना अपना जगह पे जाके, जिसको बिल्कुल खाने को नहीं ऐसे लोगों ने लाइन लगा के खाना महानगर पालिका के जो जा जा एरिया बांटा है वहाँ पे उन लोग जाके लेना चाहिए। मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि भिवंडी शहर अभी तक सेफ है, अभी तक ऐसा ये नहीं क्या लॉकडाउन किधर सील नहीं हुआ है, कुछ ऐसा एक पेशेंट का ये था तो वो एरिया सील है। मैं फिर से भिवंडी के नागरिकों को निवेदन करता हूँ कि आज तक आप लोगों ने जिस तरीके से पाला है लॉकडाउन का नियम, उसी तरह से आगे और कड़क होके पाले, अपनी रक्षा अपने को खुद को करना है,
अपन अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो कोरोना भी अपने अंदर आएगा नहीं, यही मैं भिवंडी शहर के लोगों को एक आश्वासित करना चाहता हूँ। तो अभी तक जो संस्था काम कर रही थी, जो जो मंडल काम कर रहे थे खाना बांटने का, अगर ऐसे मंडल की एंट्री इन लोग लेके, इनके पास से एंट्री, क्या आप कितने पॉकेट बना रहे थे, कितने लोगों को खाना खिला रहे थे, अगर इन लोगों से भी लेगा तो ऐसे लोगों से डेटा मिल जाएगा, और उतने अगर पॉकेट बनेंगे तो मेरे को लगता नहीं कि कोई कामगार भूखा रहेगा।